सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब यमुनानगर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर 46 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। यमुनानगर, जोगाधरी और रादौर में 10-10 और साढ़ोड़ा में 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यमुनानगर जिले में चुनाव चिन्ह आवंटित करने के साथ ही प्रत्याशियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह लेकर लोगों के बीच जाकर उन्हें मतदान की अपील कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आई है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। रादौर में 10 उम्मीदवार रह गए फाइनली, साढ़ोड़ा में 16, जोगाधरी में 10 और यमुनानगर में भी 10 रह गए। तो कुल मिलाकर अब जिले में चारों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 46 उम्मीदवार मैदान में रहे। इसमें सर कितने जो है निर्दलीय? वो ब्रेकअप अभी बन रहा है। तैयारियों की बात की जाए, कहाँ तक पहुँची है तैयारियाँ? तैयारी हमारी बिल्कुल ऑन शेड्यूल चल रही है। आज हमने ऑब्जर्वर साहब को भी काउंटिंग सेंटर्स चेक करवा दिए, स्ट्रॉन्ग रूम चेक करवा दिए हैं, और पोलिंग पार्टीज की जो सेकंड रेंडमाइजेशन होती होनी थी वो भी आज ऑब्जर्वर हो गई। फोर्स कौन कौन सी फोर्स पुलिस की आ रही है? शायद IRP बटालियन, चार कंपनीज आएंगी, एक आ चुकी है और 3 अभी आ रही है। पोलिंग स्टाफ है हमने लगभग 4200 के आसपास रहेंगे। उसके अलावा दूसरे हमारे ड्राइवर्स, क्लीनर्स और दूसरे जो क्लास 4 हैं वो भी रहेंगे, और हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स वो भी रहेंगे। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।